क्या है? क्या कर रही हो? क्या है? पप्पा से बोल के मेरी पगार बढ़वा दो ने। ना जोरू ना जाता, ये पगार बढ़ा के क्या करेगा तू? पेट्रोल हर 15 दिन के बाद महंगा हो जाता है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है ना। फैसल एक बात बता, तू पेट्रोल से चलता? गाड़ी तो पेट्रोल से चलती है ना मेरी। अभी देखो मेहमानों को बुक करने के लिए उनके घर के 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं मेरे को। हाँ। पेट्रोल कितना खर्च होता है। ये तो सही बोलता है, एक्टर कितने नखरे करते हैं। तोबा तोबा, चल मैं तेरे 50 रुपये बढ़ा दूंगी। वैसे एक बात बोलूं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, आप 50 रुपये भी अपने पास रखो। ऐसा मुंह करता है जैसा, इस जगह तो अपनी माँ जैसा मनुष्य लगना जो जो करता है ना। चलो पैसे बढ़वा दूंगी, क्या है? मिजाजी खुदा, मैं आपको एक बात जरूरी बता दूं कि मेरी खूबसूरती से लोग जलते हैं। ए बात सुन, बहुत बड़ी मकूले वाली, तेरी खूबसूरती से कोई नहीं जलता है, तेरा खूबसूरती का ढेर है ना, इससे जलते हैं। मेरी खूबसूरती से जलते हैं, तू क्या स्टोव है? मम्मा कौन जलता है आपकी खूबसूरती से, आप पता तो चले ना कुछ। मेरे को बताने की क्या जरूरत है बेटा, तेरे को अंदाजा होएगा कि मेरे से कौन कौन जलता है। देख ले फैसल, मैंने इसकी आंखें देख ली है, धूप में पुलिस वाला नहीं खड़ा होता है जो इशारे करता है ऐसा, साइकिल वाले को जाओ उसको, उस जैसे ऐसे आंखें घुमा के मेरे को बोल रही है, ऐसा चमाट लगाऊ ना मैं इसको। सासू माँ, मैंने टीवी पे एक प्रोग्राम देखी कि दुबले होने का क्या तरीका है, डूब के मर जा। माँ मैं तो सुनी कि खीरा और सलाद खाने से वजन कम होता है, मैंने सब्जी वाले से खीरा और सलाद लेना शुरू कर दिया, पता नहीं उसने कीमतें क्यों बढ़ा दी। पापा अभी रमजान आ गए ने, अभी मुसलमान की पहचान क्या है कि वो अपने अमाल बढ़ाने से ज्यादा कीमत बढ़ाने पे जोर देता है। बोलो फ्रूट वाले भी क्या करते, इतना कमाते रमजानों में, फिर रमजानों के बाद है ना डिफेंस में अपने अपने बंगले बुक करा रहे होते। मेरे को तो एक हफ्ते में इतना फर्क पड़ गया था, अब मैं इतनी महंगी सब्जी कैसे खाऊंगी। तू ऐसा कर, बगीचे में जाके माली से घास ले लिया कर, जो घास छीलता है ना वो खा, ऐसी खूबसूरत हो जाएंगे, ऐसा रंग तेरा खूबसूरत, तू देखना क्रीम में भी लगाने की जरूरत नहीं होगी, मिस वर्ल्ड बनेगी। ए माँ का लारा दिता, का ला दिता। अच्छा छोड़ो ना उसको भी, हाथ धो के बिचारी के पीछे पड़ते हो, मुंह देखो कैसा मासूम कर लेती है। माँ ऐसा नहीं कर मेरा मिट्टू, सारे मेरे पीछे पड़ जाते, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा बच्चा, मेरा वादा है मैं आइंदा तेरे आगे पढ़ूंगी। मेरी माँ को पता चल गया ना, एक दिन भी इधर रहने नहीं देगी मेरे को। देखा देखा, जरा मोहब्बत का इजहार करो, औकात से निकल जाती है ये। चले बता मेहमान कौन आ रहा है? आसिफ सीमा और गुलबार बानो आ रहे हैं। आसिफ सीमा को तुम ही जानती हो, ये रावलपिंडी से आता था ना ड्रामे में, ये तो बहुत अच्छा छोकरा है। तो औरतें कितनी तीन बुलाई है, गुल ने बहार ने बानो। बड़ा शो कर रही हो आप, गुलबार बानो को नहीं जानती, इतनी बड़ी फनकारा है ये। अच्छा इसका एक ही खातून का नाम है, नाम है गुलबार बानो। या अल्लाह शुक्र है इसने अपने मियाँ का नाम साथ नहीं लगाया, नहीं तो ये तो चार हो जाते, गुल ने बहार ने बानो ने मिसेस। गुलबार बानो ऐसा लगता पूरा मोहल्ला आ रहा है। वैसे गुलबार बानो मेरे को बहुत खूबसूरत लगती है। क्यों? ये मेरा जाति मामला है। आसिफ सीमाम मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ बोल दिया, तू तेरे को अच्छा लगता है, ये मेरा जाति मामला है। ए बेशरम नकले करती, अपनी तरफ से भी कुछ बोला करना। ए बेलबजी बेलबजी बेल, मेहमान अच्छे हो, मेहमान आयो, कोई पीछे रमजान में पांजे घर में मेहमान आयो, खुशी जो मौको मेहमान। अस्सलाम वालेकुम आसिफ सीमाम साहब। सलाम, वेलकम टू गफ्फार दैट धोरा जी, कैसे मिजाज है? थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको एड्रेस? नहीं नहीं, ये तो इतने मशहूर लोगों का घर है, हर आदमी आपको जानता है। मुझे ना, मुझे बहुत लोग आपको भी, आपके बुजुर्गवार मेरी फैमिली है, फैमिली। जी 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 जी, दादी है मेरी। जी जी, माशाल्लाह आप लोग तो बहुत मशहूर हैं। मैं तो, अरे तू नहीं, मैं मशहूर हूँ, मेरी इनसे मुलाकात पिंडी में हुई थी ना, आपको याद है छोटी सी थी जब मैं स्कूल की टीम में आई थी। जी जी, लियाकत हॉल में। बिल्कुल बिल्कुल, लियाकत मेमोरियल हॉल। अच्छा मैं पता है यहाँ पे इतनी मशहूर क्यों हूँ आसिफ, धोराजी में अपने सफेद बालों की वजह से, और मेरी बहू अपने सफेद खून की वजह से मशहूर है। मैं भी पिंडी में बहुत मशहूर हूँ, पहला आदमी हूँ जो लस्सी के साथ गाठी है। प्लीज प्लीज मेहमान के सामने कोई ऐसी बात मत कीजिएगा। हाँ, हाँ, प्रोफेसर हाँ, भी हैं हाँ, आसिफ सीमा। हाँ, वैसे आप अपने सफेद बालों से ना घबराइए। हाँ, हाँ, ये तो आजकल फैशन है, ये तो आपने रिचर्ड गियर को भी देखा होगा। हाँ, उसने सिल्वर स्ट्रीकिंग कराई हुई है, बिल्कुल उसे गालिबन कहते हैं सॉल्ट एंड पेपर। अभी बहुत वक्त है, अभी तो वो उनकी बारी है, इस एज ग्रुप में जाकर जरूरत पड़ती है। मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, लोग इंतजार। हाँ हाँ, श्योर श्योर। हाँ क्या क्या है? ख्याल रखें। हाँ ख्याल रखेंगे, ये इफ्तारी हम लोग खा जाएंगे। क्या
है लगे माशाल्लाह आपका चश्मा कपड़ों से देख। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और गफ़ार एट दोराजी में आप लोगों को बहुत बहुत खुश आमदेद। आज हमारे पहले मेहमान जो हैं गफ़ार दोराजी में एक्टर भी हैं और जहां एक्टर नरम होता है वहां पे ये दूसरे प्रोफेशन में बहुत सख्त भी हैं, यानी प्रोफेसर भी हैं। DHA कराची एक कॉलेज है उसके अंदर पढ़ाते हैं ये, और प्रोफेशन दोनों हैं इनके, पढ़ाते भी हैं और एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ, मेरी फैमिली के साथ आएंगे आसिफ सीमा। हेलो 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 माँ माशाल्लाह माशाल्लाह माँ माँ से पहले ही निकल जाता है, जोरू को लेके मरना। आइए देखो आराम से, साइड में मार रही है मेरी गाड़ी की, इधर इंडिकेटर टूट जाए तो आराम से रमजान दिया झगड़ो माँ करो प्लीज। मेहमान आसिफ सीमाब साहब जी जी गफ्फार एट दोराजी में तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इतना वेलकम किया, आई एम सो हैप्पी। मैं पता नहीं मैंने हम लोग पूरा बोला था ऐसे बतिया बतिया भी लगाते हैं। ये सीमा आपका कोई तखल्लुस है क्या? इसमें बेटा भी नजर आती है ना, सीमा बोलते सीमा नहीं, असल में पहले मेरा नाम सिर्फ सीमा अहमद था, तखल्लुस नहीं है, ये मेरा पहले फर्स्ट नेम होता था। अच्छा, लेकिन वो हमारे एक बुजुर्ग थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे। उन्होंने कहा कि सीमाब चूंकि इसका मतलब पारा है और पारा हर वक्त बेचैन रहता है, तो इसे बैलेंस करने के लिए कोई और नाम होना बहुत जरूरी है। पारा चढ़ावा भी तो रहता है। हाँ हाँ, तो फिर उन्होंने एक नामों की फहरिस्त दी जिसमें से ये फिर आसिफ नाम जो है ये चूज किया गया, जो उससे पहले हमने फिर उसको ऐड किया था कि वो किसी हद तक उसमें एक तवाज़ुन कायम हो सके। प्रोफेसर ही पहले शुरू किया आपने या एक्टर पहले बने? नहीं, मैं एक्टिंग में पहले आया था, मैं थर्ड ईयर में था जब मैं लाहौर टीवी से मैंने पहला प्ले किया था। अच्छा, थर्ड ईयर। नहीं, प्लीज उनका जवाब पूरा होने दें, ऐसे नहीं बीच में नहीं बोले जी। 1985 14th अगस्त का मेरा पहला प्ले था जो यावर हयात साहब ने मुझे उसमें इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा। तो वो मेरा पहला प्ले था, तो उस दौरान मैं पढ़ता भी रहा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, मैंने MA इंग्लिश किया, तो तब तक तो मेरे काफी सीरियल्स ऑन एयर हो चुके हुए थे। तो अच्छा, आपको किसने धक्का दिया इस लेन में? कह रहे हैं यावर हयात साहब। अच्छा, यावर हयात साहब ने बुलाया? मतलब टेलीविजन पे मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो उनके तवसुत से हुआ था, लेकिन पहली मेरी जो अपीयरेंस है वो थिएटर में थी। अच्छा, तो आप लोगों को देख देख कर हमने भी थोड़ा सा छोटे पैमाने पर, पहले तो स्कूल में, फिर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद में, लियाकत मेमोरियल हॉल का जिक्र तो आपसे भी हुआ था। जी, मैंने जिक्र सुना है, बहुत सुना, उधर ड्रामे होते हैं, मेरे को बहुत शौक था, लेकिन मेरे पापा ने मेरी इज्जत नहीं दी। जी, मेरी पहली जो कमर्शियल जो स्टेज में जो अपीयरेंस थी वो लियाकत मेमोरियल हॉल रावलपिंडी में थी। आप मिजाजन संजीदा हैं या क्या बनाए रखते हैं अपने आप को? नहीं, मैं बनाता बनाता नहीं हूँ, मैं बहुत नेचुरल रहने की कोशिश करता हूँ। शोभा तदरीस के कुछ अपने तकाजे होते हैं, वहाँ हमें थोड़ा सा बिहेव करना पड़ता है, चूँकि बहुत सारे लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम उनके लिए रोल मॉडल होते हैं। थोड़ा सा मैं ये भी कॉन्शियस होता हूँ कि चूँकि मेरा ताल्लुक मीडिया से है, तो वो ये ना कहें कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा शौक है, या ये ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, या ये ओवर एक्ट कर रहा है, तो कोशिश करता हूँ कि जरा संजीदा रहूं। आसिफ भाई, जब आप लड़कियों को लड़कों को पढ़ाते हैं क्लास में, जब ऐसा पक्का मुंह बनाएंगे तो लोग फिर आपके खोप करते हैं कि नहीं करते हैं, हंसते होंगे चुप चुप के कि ये तो एक्टिंग किया, इसका तो वो रोल है, ऐसा तो नहीं करते लोग? वो दो चार दिन ऐसा होता है जब नई क्लास आती है, नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो को एजुकेशन है, सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़के बहुत ज्यादा है। वो मैंने सिर्फ लड़कियां देखी, वैसे जरा तफन्नुन तबाह के लिए ये ऐसे लड़कियों पे बहुत बोलता है। किसके लिए? ये उर्दू जरा आसान बोली है, हमको समझ नहीं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक की बातें, तफन्नुन तबाह तबाह। नहीं नहीं नहीं, वो तबाह नहीं जो आप हो चुके हैं, ये तोए बे और एन से है, इनको कैसे पता तबीयत से। अच्छा, मैं अभी तबाह नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। बात का मैं जवाब दे रहा हूं, मैं बोल रही हूं अभी तबाह नहीं हुए बेटा, दिल हमारा मजबूत हो गया, हमारा प्रोग्राम ARY वालों ने ले लिया है, अभी इंशाल्लाह हमारे घर में भी देखना सोना ही सोना होएगा, बेफिक्र हो गए अभी। मुल्क से बाहर जाना होता है? जी हाँ, मैं काफी ममालिक में जा चुका हूँ,
लेकिन वो ज्यादा दौरे जो है वो मेरे निजी नौयत के थे, शोबिज के हवाले से नहीं थे। वो निजी दौरे होते हैं, उसका दिल से का क्या मतलब होता है बेटा? जी निजी का क्या मतलब है? आप जैसे आप एक निजी इदारे के एक चैनल में बैठी हैं, ये निजी इदारा है, पाकिस्तान टेलीविजन एक सरकारी इदारा है, तो सरकारी और निजी में ये फर्क नहीं। जब आप ले जाते हैं बाहर, तो क्या अपने स्टूडेंट को लेके जाते हैं या किसी के साथ जाते हैं? निजी जो होता है मतलब ये है कि अगर इनको कंपनी भेजती है ना, तो वो इनका ऑफिशियल होता है, और अगर खुद जाते ना पैसा खर्चा करके, तो वो फिर इनका निजी, ऐसा ऐसा होता है ना भाई, निजी दौरा होता है, उसका दिल से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा आपने शादी कर ली? जी हाँ माशाल्लाह। तो आपके कितने बच्चे हैं बेटा? मेरी एक बेटी है। और आपकी बीवी की कितने? आपने शादी जो की वो मोहब्बत करके की या लड़की वाले भी राजी थे? नहीं मोहब्बत तो बहुत की, लेकिन शादी उनसे नहीं हो सकी जिनसे मैं मोहब्बत करता था। मेरी बिल्कुल प्योरली अरेंज्ड मैरिज है। मैंने सिर्फ एक झलक देखी थी अपनी बीवी की, झलक देखी थी। तो आप इतने बहादुर आदमी, अभी बीवी के सामने बोलते हो कि मोहब्बत वाली से नहीं हुई, तो उसको नाराजगी नहीं होगी आपसे? नहीं नहीं, बात यह है कि मियां बीवी में तो आप अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो फिर वो ताल्लुक तो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज होता है। मसाला देख, कॉम्प्रोमाइज कोई ताल्लुक तो ना हुआ। सही बात, वाह। आपने एक झलक देखी थी, भाभी पसंद आ गई थी, हमने पूरा जुलूस देखा था, पूरा जुलूस देखा था। अप्पा भाई मेरी, नहीं कर जुलूस में हुल्लड़बाजी कर रहा है तू, चुप रह। अम्मा को तो खुशी होती है ना मेरी बेइज्जती हो तो। तेरी बेइज्जती तू, तू मेरी बहू नहीं लगती है, तू लगता है। इस मौके पे हम लेते हैं खानदानी मसाइल कुछ एकदम से उभर आते हैं, तो उसको दबाने के लिए एक ब्रेक की जरूरत पड़ती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आसिफ सीमा हमारे साथ है। हम बहुत करोड़पति है, हमारे कितने गोले गंडे के ठेले हैं, तीलियां भरी हुई थी 25-30, उसको गोले गंडे के ठेले बोल रहे लेते हैं। किसका काम है हमारा? बर्फ का है ना। हाँ। तो जब गर्मी आए तो बर्फ पिघलेगी ना, तो डंडिया ही रह जाएगी ना, डंडे रहेंगे क्या? तेरा पूरा खानदान, आप देखो ये औरत देखो, ये मेरी बहू लगती है, ऐसे लगता है लाइन एरिया से सदर जाने वाला रिक्शा हो। आपको पता है प्रोफेसर साहब, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है सिवाय इज्जत के। देखिए रमजान का महीना है, इसके तकद्दुस का ख्याल रखें। तकद्दुस साहब से मैं कितनी दफा मिली हूँ इस मसले के हल के लिए। तकद्दुस इज्जत को कहते हैं, तकद्दुस। तकद्दुस साहब हमारे वकील का भाई है ना, मैंने बोला भाई हमारे फैसला करो, मैं जरा बात कर लूँ। आप लोगों ने तो, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या प्रोफेसर होते, या प्रोफेसर ना होते तो एक्टर होते, या दोनों ना होते आप तो शौहर होते? इम्तिहान के सवाल लिखते, पर्चे लिखते, और क्या होता, फिर पकड़े जाते किसी को दे देते। हमारे को तो नहीं आती उर्दू। हाँ नहीं, ज़ाहिर टीचिंग प्रोफेशन में तो मैं बहुत शुरू से ही आ गया था, लेकिन ये है कि जितनी यकसुई से मुझे टीचिंग करनी चाहिए शायद मैं अब नहीं कर पा रहा। अगर मैं एक्टिंग ना करता तो हो सकता है मैं इंग्लिश में कोई PhD कर लेता, डॉक्टरेट कर लेता, जरा अच्छे पैमाने पर यूनिवर्सिटी लेवल पे कहीं पढ़ा रहा होता। गाने से वैसे लगाव है? जी जी बहुत ज़्यादा, और मैं तो सेमी क्लासिकल म्यूजिक बहुत शौक से सुनता हूँ। कौन सेमी क्लासिकल कौन? नहीं जी नहीं, ये सेमी तो औरत का नाम है ना, ये अंग्रेजी में होता है सेमी। सेमी सेमी सेमी। अच्छा सेमी। सासुमा जैसे मैं सेमी रहती हूँ ना आपसे, ये तो अल्लाह जानता है। सेमी हुई रहती हैं तो फिर उनका क्या? आप गाने से लगाव है? आप जी जी सुनने की हद तक है। गाते नहीं? आवाज नहीं, अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी दी, अभी भी देखें थोड़ी सी हैवी हुई। नहीं आजकल तो वही गा रहे हैं जिनकी आवाज अच्छी नहीं। नहीं लेकिन मैं उस पैसा नहीं होएगा ना प्रोफेसर साहब के पास, नहीं तो अपना पैसा लगा के गा। सही बात है। नहीं नहीं मैं उस फहरिस्त में शामिल ही नहीं होना चाहता। एक बात बताइए, स्टेज जो फनकार के लिए माँ है, तो टेलीविजन क्या खाला है, फिल्म क्या फूफी है इसकी? मतलब क्या स्टेज को माँ क्यों है? इसलिए कि माँ सिखाती है, माँ चलना सिखाती है, माँ बोलना सिखाती है, माँ तमीज सिखाती है। अभी आप अभी जो लोग हैं ना, अभी जो लोग हैं ना, उन्होंने माँ माँ की बात सुनना ही खत्म कर दी है ना। माँ माँ की बात कोई नहीं सुनता। मैं इन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आगे ना बढ़ाओ। टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, ये तो वो मीडिया है जो पिछले 40-50 सालों में आए हैं। फिल्म को आप समझ लीजिए कि 80 साल हो गए होंगे,
लेकिन थिएटर तो हजारों साल से है। हाँ हाँ। ग्रीस से थिएटर शुरू हुआ 3-4 हजार साल पहले। जी हाँ जी हाँ। मतलब अरस्तु और अफलातून जैसे बड़े बड़े फिलोसफर्स ने थिएटर के बारे में लिखा है, वो एक थिएटर के बारे में बहुत तनकीदी मकाले लिखे हैं कि थिएटर किस तरह शुरू हुआ, किस तरह से परवान चढ़ा और फिर वो यूनान से यूरोप के मगरबी ममालिक में आया, इटली में आया, फ्रांस में आया और फिर एक बहुत लंबा ओशन क्रॉस करने के बाद, अटलांटिक ओशन क्रॉस करने के बाद वो अमेरिका में। आसिफ भाई तो ये तो हजारों साल पुरानी रिवायत। बिल्कुल ठीक कहा, इतना लंबा ओशन क्रॉस करके आप थक गए होंगे, मेरे कवर तो कहीं मत जाएगा। आसिफ सिमा हमारे साथ है, कहीं मत जाएगा, छोटे से ब्रेक के बाद हम मिल रहे हैं। आसिफ साहब, मैं आपसे एक जनरल नॉलेज का एक सवाल मैं एक्चुअली वाकई करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो आपसे बेहतर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। जी बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आप कोई सेंसेबल सवाल करेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अभी जो जवाब दिया। असल में मैं पहले बहुत शौक में हूँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे जो है ना ऐसे सवाल की बौछार हुई है कि नहीं, 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 नहीं। मैं अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाया। नहीं, मैं तो संभाल नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मुझे यकीन है कि आप एक समझदार पढ़े लिखे और जी शऊर आदमी हैं। जी जी, तो आप कोई बेहतर बात ही करेंगे। एक दुकान में मैं जाऊं मिसाल के तौर पे, जी जी, और मुझे जूता पहनना हो और मैं उससे कहूँ की भाई मेरा साइज 9 नंबर है और वो 7 नंबर का जूता दे दे, तो क्या करूँ? क्या करे, मतलब 9 नंबर है ना साइज मेरा, 7 नंबर का दे देगा तो क्या करूँ? क्या करना चाहिए आपको? आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। आपसे पूछ रहा हूं मैं तो आपसे। नहीं मतलब ये कोई सवाल है। नहीं, एक बात पूछ रहा हूं। मतलब बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। नहीं आप बुरा मान गए, मैं मतलब देयर इज अ लिमिट टू इट। प्लीज प्लीज, आप मतलब मैं किस घर में आ, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ की मैं जूता छोड़ दूं या खरीद लूं, क्या 9 नंबर है ना? आप जूता मेरे सर पे मार। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये किस किस्म की मेहमान? नहीं आई एम सॉरी, मैं तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा जानता हूँ, उर्दू भी जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा क्या उर्दू अंग्रेजी जानते हैं? आप तफन्नुन तबाह का तो आपको पता नहीं? नहीं नहीं, पापा पापा पता है तफन्नुन, क्या बोला? तफन्नुन तबाह। जी जी जी, बेल बजी बेल बजी बेल बजी। आप इज्जत से प्लीज गेस्ट को लेके आइए। इज्जत से लाऊं गेस्ट को? मैं दूसरों को क्या हाथ कड़ियां पहना के लाता हूं? प्लीज। ओके, आपका रोजा है? जी जी। कमाल है, फनकार भी रोजा रखते हैं, कमाल हो गया भाई। प्लीज आसिफ भाई, आप गेस्ट के सामने मेरी इज्जत। ये डिपेंड करता है कि गेस्ट कौन है। बहुत मुल्क की नामवर आर्टिस्ट है, मैं बुलाता हूँ, आप प्लीज वहां तशरीफ रखिए। आप प्लीज। और खवातीन आज़ाद, आज हमारी गफ्फार और दोरजी में दूसरी मेहमान पाकिस्तान की चंद अच्छी गुलुकाराओं में से हैं। गुलुकाराएं तो बहुत हैं लेकिन गज़ल की गायकी में चंद ऐसे नाम हैं जिनको बरसग़ीर में हम पाकिस्तान का पासपोर्ट कहते हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम पैदा हुए, कुछ गुमनामी के अंधेरों में चले गए और कुछ ने अपनी उम्दा आवाज़ और उम्दा गायकी की वजह से अपने आप को आज भी कायम दायम रखा हुआ है अल्लाह ताला के फजल और करम से। कुछ नज़में कुछ गज़लें ऐसी भी हैं बड़े बड़े शोरा की जो लोगों की नज़रों से भी नहीं गुजरी, और ऐसे ही आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उन गज़लों को अपनी खूबसूरत आवाज़ और तर्ज से, खूबसूरत आवाज़ और तर्ज देकर आप लोगों में मकबूल किया, बेशुमार अवार्ड्स मिले इनको। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे आपके दिलों में बसती हैं। जब ये टेलीविज़न पर गाती हैं तो हम सब काम छोड़ के इनको सुनने बैठ जाते हैं। इनका कोई मार्केट में CD या एल्बम आता है तो हम इसको सुनते हैं, उसकी हर गज़ल को बहुत गौर से सुनते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ में मिठास बहुत है। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ गुलबहार बानो। जी मेरे वालिद हैं, ये मेरी मम्मा हैं, ये दादी। मेरी तो दादागिरी मशहूर है, ये आपके ड्रामे वाला है। आसिफ साहब से तो आपकी मुलाकात होगी, जानती होंगी, मशहूर एक्टर हैं टेलीविजन के, आसिफ साहब भी जानते होंगे। जी जी, इन्हें कौन नहीं जानता। अच्छा, मैं तो शौक से ड्रामे देखती हूँ मैं भी। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत प्यारा गाती हैं, आप शहरी क्यों नहीं जगाते? आप चाचा का क्या है ये? नहीं पापा हैं ये आपका, इस तरह इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। मैंने आपकी गजलें बहुत सुनी है, मलावी में सो हुआ था ना, आप उधर आई थी
अच्छा, तो मैंने सुना था माशाल्लाह क्या गाती है। यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? आराम से एड्रेस नहीं, बिल्कुल मैं कंफर्टेबल हूँ। इस वक्त आई हूँ तो आपके प्रोग्राम में। बस आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। जी आप बहुत अच्छी। मैं इसलिए भी आई हूँ कि जितने भी दुराजी के हैं हमारे अबाई अजदा जो लोग यहाँ रहते हैं अबाई गाँव में, तो ये हजरत मौकम दीन सरानी हमारी बहुत बड़ी दरगाह है वहाँ। तो ये आप जैसे सारे जो लोग हैं वो नंगे पांव जाते हैं, और मैं तो इसलिए भी, मेरा कीदा भी है और मोहब्बत करती हूँ आप लोगों से। माशाल्लाह आपका हाइट भी बहुत अच्छा है, आप रेसलिंग क्यों नहीं करते? चाचा को समझाओ यार। पापा ये आप ही के साथ ना कर ले। ठीक नहीं है, जब से प्रोग्राम शुरू किया ना तो ये दिमाग खराब रहता है। सही करो ना इसको, अब तो तंग आ गई हूँ वैसे। अच्छा वाला था बेटा, शादी से पहले इसका दिमाग ठीक था। अच्छा। इतनी खोपड़ा कोरस से शादी होएगी तो कौन आदमी जिंदा रहेगा? वो तो जिंदा ही बहुत बड़ी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको क्या बोल रही हूँ, जलूस निकालने को बोल रही हूँ, नारे लगाने को बोला। अब स्टार प्लस से हटाया करें इनको। ये तो बेटा ये स्टार प्लस पे तो पागल हो गई है, इसकी नाबीना हो गई है, बिना ही चली गई, लेकिन जिस दिन पता चलेगा ना मैं अपनी मां की सिंदूर को मिटा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, तू भी उसका रिएक्शन करता, तूने उसको सिंदूर डाला है। आप मैं इधर आप कुर्सी मोड़ लीजिए जी। अच्छा जी जी जी, कहां से कैरियर का आगाज हुआ? टीवी से या रेडियो से? सबसे पहले मैंने रेडियो से गाया था। अच्छा जी, किसकी गजल पहली गाई आप? मैंने सबसे पहले गाई थी मोहसिन बबाली साहब की गजल, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। कौन सी थी बेटा? चाहत में या दुनियादारी? जरूर रोजे के बाद, जब रोजा खुलेगा, अभी खुल वो खुशकी हो रही है। नहीं नहीं, अगर आप बोले तो मैं सुनाऊं? हाँ सुना दीजिए। नहीं नहीं गाना नहीं, खुदा के लिए ये गाएंगी आप? चाहत में क्या दुनिया, मुझे बड़ी खुशी। इश्क में कैसी मजबूरी। वाह वाह, अभी तू ये गाना छोड़ देना। अच्छा अच्छा, आप थोड़ा सा कुछ लाइनें, हमारे जो लोग देख रहे हैं वो आपके फैंस हैं और इस वक्त तो दुनिया में देख रहे हैं। सबसे बड़ी फैन तो मैं खुद हूँ इसकी। हाँ, इसकी पेडिस्टल फैन भी हूँ मैं, वो नहीं होती घूमने वाले सारे। अच्छा जी, आप थोड़ी दो लाइनें सुनाएंगे प्लीज? अच्छा जी, अभी आपसे जी जी, मैं आपकी दादी माँ से पूछ लूँ कि ये यही गजल सुनाए? यही सुनाए, मेरे को भी यही पसंद। ऐसे थोड़ा एक बोल अपने। अच्छा, यही सुनाए मेरे को। आप है ना, एक मिनट बात करने दे, जो दबसरी बात में बात कर रहे हो ना बेटा, वो नहीं कर। वाहड़ा देखो बेटा, ये आप जो गाती है ना, सच्चे सुर लगाती है। जब सच्चा सुर लगाने वाला मिले ना तो आदमी का दिल चाहता है इसको सुनो। तो हम दिल से बोल रहे हैं कि हम आपके कदरदान। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। लोगों का क्या समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। वाह, इस बात की भी मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे मेरी अपनी गजल सुना दी, तो बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं फैन थी ना आपकी, आपको यकीन हो गया ना मेरे पे? अच्छा, एक जनरल नॉलेज, ज्यादा यकीन नहीं करे, नहीं तो ये जाके इसकी गजलें बेच देगी। एक जनरल नॉलेज का सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ? मुझे काफी अकलमंद जहीन लगती है जाहिर है, और गाना सीखा है आपने तो जहीन भी होगी। ये लोग मुझे अभी बच्चा समझते हैं, मैं बच्चा लगता हूँ क्या? नहीं, काफी बड़े लगते हो, लेकिन उम्र से बच्चे हो।
नहीं, मुझे तो ये तो शक्ल से बचे लगते बचे कुचे से लगते से देखिए शक्ल से बच्चे लगते लेकिन माँ तो माँ है ना। हाँ। माँ है, दादी है, बाप है। आप मुझे बच्चा समझती है? अरे तेरी माँ नहीं मानती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ तो तू कहाँ से बड़ा मानेगा? उम्र छोटी है ना मेरी भी। हाँ, इसको तो बेबी को हम लोग उठा के लाए थे ना। माशाल्लाह असली में हमारे पंजाब में इन्हें बेबे कहते हैं। हाँ, माँ ने जी जी बेबे कहते बेबे। तो आपका पंजाब से ताल्लुक है? मेरे को मुल्तान से कुछ लगता है। माँ पंजाबी और अब्बू सराकी। माशाल्लाह, ये जो आपकी गुफ्तगू में जो मिठास है ना, इससे अंदाजा होता है कि ये सराकी बोलने वाले जरा बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। मीठा लहजा, मीठा है। वैसे भी मुल्तान का हलवा वैसे भी मशहूर है। आप ना खाया करें, आपको डायबिटीज। एक्सक्यूज मी, आप इतना अच्छा गाते हैं, इतना आप कितनी प्यारी आवाज है आपका, इसका VHS कैसेट मिल जाएगा? पापा, आवाज का VHS कैसेट नहीं होता, कैसेट मिल जाएगा? ऑडियो कैसेट होता है। ऑडियो मिल जाएगा? जी 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 बिल्कुल। मुझे डॉन फिल्म भरवानी है। डॉन प्लीज बुरा मत मानिएगा। पहली दफा शोहरत जब इंसान जी जी कैसा लगा? जाहिर है बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं अपने घर वालों को भी देखा तो बहुत खुश हुए और उनके साथ मैं भी बहुत खुश थी। गर्विदा। तो गुलबार आपने बाकायदा गाना सीखा है उस्ताद जी से? मैंने उस्ताद मोहम्मद अफसल खान साहब से सीखा। अच्छा, है बाकायदगी से गाना सीखा। कितने साल की उम्र से सीखा आपने? तकरीबन मुझे शौक तो 15-16 साल की उम्र में ही लगा। आवाज़ तो कुदरत की देन है, वो तो थी मेरे पास, तो ज़रा थोड़ा नात पढ़ती थी स्कूल में। अच्छा। तो उसके साथ साथ फिर आवाज़ थी तो ये भी कोशिश कर ली कि मैं गाऊँ इस तरफ। अच्छा। आपने कोशिश नहीं की कभी किसी को सिखाने की कि आप किसी को गाना? नहीं, अभी तो मैं खुद सीख रही हूँ। अच्छा। मुझे नहीं आया तो मैं किसी को और कैसे सिखा सकती हूँ? इतना बड़ा नाम, ये बात कह दे बहुत बड़ी बात है। बहुत मेहरबानी। अगर मैं सीखना चाहूँ तो आप मेरी कोई मदद कर देंगे? अल्लाह नहीं सिखा सकता, वो क्या सिखाएगा। माशाल्लाह आपने इतनी सोने की अंगूठियां पहनी है, हार पहना है, कंगन पहने हैं आपकी खुशी के लिए। आपकी सुनार की दुकान है। प्लीज मतलब मेरे वालिद हैं, मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ। झुमके बहुत अच्छे जी जी, झुमके बहुत अच्छे लगे। झुमके वो नहीं ड्रामा फिल्म आई थी, बोला कहाँ से आई है झुमके, किसने दादी मैं उतार दूँ? नहीं नहीं, अल्लाह तेरे को आप पे बहुत अच्छे, अल्लाह सलामत रखे, आप अच्छी लग रही हो, हमारे को नहीं, आप अपने बहुत अच्छे। तो इतने प्यारे खुद लग रहे हैं, इतने देखो कितनी माशाल्लाह ज्वेलरी अच्छी अच्छी पहनी हुई है। अम्मी तो वैसे भी गोरी गोरी है, अल्लाह करे हमारा भी कलर इसी तरह हो जाए। आप क्रीम लगाओ, ये क्रीम में लगा के ट्राई कर रही हूँ, सुकेना है ना उधर क्लिफ्टन में रहती है, वो क्रीम में बेचती है। और दुबली भी है आप पहले से ज्यादा। मैंने तो कभी भी नहीं बताया मेरी ये दराजों पे हाथ किसने लगाया, मैंने वहाँ लिखा हुआ है अंदर आना मना। तो मैं तेरी क्रीमों में घुसी थी जो अंदर आना मना, अरे वहाँ से पता, मैं चार क्रीमें लगाती हूँ, चार क्रीमें लगा लगा के मुँह कैसा हो गया? अरे इसको बोल मुल्तान की मिट्टी लगा, गुलबार से मांग ले मिट्टी। आप एक बात माने कि मम्मा एक जमाने में ब्यूटीफुल थी। कौन सा जमाना था जब लोग अंधे थे? नहीं अभी ऐसे थोड़े पसंद किया था आपने, खूबसूरत थी तो जब ही तो पसंद किया। हम पे तो जादू की शक्ल तो देखो आप, हमारे पे शहजादा शहजादा मंगोल का शहजादा शहजादा पापा मंगो पीर का शहजादा बोलो। अल्लाह ने हुसन कूट कूट के भरा, कुछ ज्यादा ही कूट दिया, थोड़ी उसे कूटा जी। मेरे पीछे आदमी क्या लगा दिया भाई, ये तुम लोग ने प्लीज सर प्लीज, और ये प्रोफेसर लगा ही नहीं मुझे भाई, वहां बैठ के लगा यहां अगर वो कुम 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 कुम। जो इस किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कूटना पड़ता है। कभी एक्टिंग का दिल चाहा कि आप एक्टिंग? मैं जी जी एक दफा लाहौर गई थी, बाबरा शरीफ की एक शूटिंग हो रही थी, तो ऐसे मिलाने के लिए गए थे, तो मैंने कहा कि मुझे भी शायद मौका मिल जाए फिल्म में कोई गाने का, तो उन्होंने कहा कि बस गाने के लिए तो आप ना करें, तो आप कोई एक्ट्रेस वो बन जाए, कोई रोल कर कोई महा, तो कोई आप फिल्म में आ जाए। मैंने कहा मैंने तो गाने में ही तवज्जो दी हुई है, तो इस पे तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने तो कभी डांस ही नहीं किया है ना ही कभी बोला है, तो कैसे मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए? तो कहने लगे कोई मुश्किल नहीं होता, आप जब आ जाओगे तो करवा भी लेंगे आपसे। उन्होंने तवज्जो दे दी, लेकिन मैं फिर भाग गई, मैंने कहा चलें बाबा हम तो ये छोड़ देते हैं। कहाँ भागी बेटा? आपसे हम
कुछ सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, गुलबार बानो को फिर सुनेंगे ब्रेक के बाद। खुशामदे खवातीन और हज़रात, और इन्हीं तालियों में सुनते हैं गुलबहार बानो को। तेरे दीवानों में वह
बख्शी बख्शी वेरी गुड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी गजल सुनने वालों की नज़र की। कभी ऐसा होता है कि आप किसी गैदरिंग में गा रही हो और बीच में लोग उठ के चाय पी रहा है, कोई कोई उठा खामखा कुछ नहीं तो पेंट ठीक की बैठ गया, कभी ऐसा होता है? होता तो है। गुस्सा आता है? बस गुस्सा भी दिल में ही आता है, बंदा कह तो कुछ नहीं सकता, लेकिन यह है कि जब मैं अल्लाह का इतना एहसान है करम है, जैसे मैं स्टेज पे बैठती हूँ तो जो लोग कुर्सियाँ छोड़ के इधर उधर होते हैं ये उसका करम है, सामने आके बैठे हुए होते हैं। दिल उस वक्त तो बहुत गुस्से में होता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि कहाँ कहाँ खड़े हो, आ जाएं बैठ जाएं। अब देखिए ना, यही तो फ़र्क है जब आप बैठती हैं। मैं ये कहती हूँ कि मैं क्यों कहूँ, अगर इस गाने में थोड़ा सा असर लाओगे या असर है तो खुद आ जाएगा। हम अपने घर में इधर उधर घूम रहे होते हैं तो आपका जब गाना आता है बैठ जाते हैं आपको देखने लगते हैं। मुझे कहने की क्या जरूरत है, अपनी आवाज से बुलाती हूं लोगों को, वो सामने आ जाते हैं। नहीं वैसे एक बात, ये फर्क है जब आप बैठती हैं लोग इधर उधर होते हैं इधर आ जाते हैं, जी आ जाते हैं। जो आजकल गाने वाले हैं जब वो आते हैं तो लोग इधर उधर चले जाते हैं। पैगाम देना चाहेंगे आप नई जो गुलकाराएं इस वक्त गाना सीख रही हैं या पढ़ रही हैं? बस मैं यही पैगाम दूंगी कि कोशिश करें, जरा सीख के इस फील्ड को अपनाएं। हाँ, सिर्फ पढ़ के नहीं आए, पढ़ के नहीं आए। जो इंग्लिश आजकल बोली जा रही है, शायद वो कहते हैं ना कि गाने वाली को अगर इंग्लिश भी आ जाए तो फिर क्या बात है। आज तो बहुत छोकरियां ऐसी है, इनके पैसे है ना, ये पैसे लेके फिर अपनी कैसेटें बना के फिर वही कैसेटों पे नाचती रहती। सही कह रही हैं। वो अब मैं भी थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कैसेट बना के नाचूंगी, जरा दुबली हो मजबूत स्टेज हो, जाना नहीं तो मेरी तरह खुआर हो जाओगी। ये अम्मा मेरे को टिकरी का नाचना चाहती है। तेरा कोई बात हो रही थी, तेरा कोई ताल्लुक है नाच से? खाना बदोस कबीले की है, कौन है कौन? मम्मा प्लीज, आपको खुश करने के लिए मैं नाच दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अल्लाह आपको वैसे मैं गजल ही गाऊंगी। आसिफ से भी तो पूछो कोई पैगाम है। आप छोटा सा कोई पैगाम अपने अपने स्टूडेंट्स को नहीं देना, सबको देना भाई। जी उर्दू में नहीं देना भाई, इंग्लिश। लेकिन बात ये कि आप इंग्लिश भी सुनना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। जी जी, अफोर्ड यानी मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे। प्लीज आप मैसेज। जी जी, मैं बस इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे नौजवान हैं, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एक्टिंग के एतबार से आना चाहते हैं फील्ड में, या आ चुके हैं, या गुलबहार बैठी हैं म्यूज़िक के हवाले से आना चाहते हैं, सबसे पहले बड़ों का एहतराम करना सीखें, अपने सीनियर्स का एहतराम करना सीखें, इस फन का एहतराम करना सीखें, इसके साथ फ्लर्ट ना करें, इसके साथ इश्क करें। और इश्क जो है उसके लिए बड़े कष्ट काटने पड़ते हैं। ये ओवरनाइट जो शोहरत के लिए लोग भाग रहे हैं, ये एक रैट रेस है, और इस रैट रेस में कुछ हासिल नहीं होता, इसमें कोई लॉन्ग टर्म कोई सक्सेस नहीं मिलती। वो वक्ती कामयाबी, वक्ती शोहरत जो है वो आपको कोई लॉन्ग टर्म कामयाबी नहीं देगी, और ना ही आपका हिस्ट्री में नाम आएगा। हिस्ट्री में नाम उन्हीं लोगों का आएगा जिन्होंने इस काम के साथ इश्क किया, कष्ट काटा, मेहनत की, और स्लोली बट ग्रेजुअली अपना नाम बनाया और अपने आप को मनवाया। आसिफ सीमाब और गुलबार बानो, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तशरीफ लाए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। खवातीन गलती हो गई हो तो माफी मांग लो, पैसा इतनी है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, माफी चाहते हैं। ऐसे नहीं कर, ऐसे हाथ देख, ऐसे कर, ऐसे बोल। आप मुझे मिले, आपके लिए मेरे पास एक इलाज है। क्या क्या क्या? वो मैं सबके सामने नहीं बता सकता। जड़ी बूटियों से करेंगे इलाज ही आपका, जड़ी बूटियों से? नहीं नहीं, इंशाल्लाह बहुत अफाका होगा। खवातीन आजाद, आपकी शुमूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया उस प्रोग्राम में जिसका नाम है गफ्फार ज़र दोराजी। अगले हफ्ते भी हमारे साथ रहिएगा और अपने मनपसंद लोगों के साथ मेरी फैमिली के साथ मिलकर मुलाकात कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।